on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. समता मूलक समाज, सामाजिक एकता, समरसता के पैरोकार बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में हुआ था। आधुनिक भारत के इतिहास को जिन लोगों ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, उनमें डॉक्टर अम्बेडकर का नाम शीर्ष पर आता है। सामाजिक रूप से बहिष्कृत समाज में जन्मे अम्बेडकर जी को बचपन से ही छुआछूत और भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने सामाजिक ताने बाने का खुलकर विरोध किया और अपनी योग्यता और अथक परिश्रम के दम पर उस दौर में अपने समाज के सबसे पढ़े लिखे शख्स बने और अपनी योग्यता से उन्होंने बड़ौदा महाराज की छात्रवृत्ति प्राप्त की। अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए उन्हें 25 रुपए महीने का अनुदान प्राप्त हुआ। डॉक्टर अंबेडकर आजाद भारत के देश के पहले कानून मंत्री बने, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे, समता, समानता, बंधुत्व और मानवता पर आधारित संविधान में उन्होंने हर नागरिक को बराबरी और बढ़ने का न्यायपूर्ण हक दिया। वह सामाजिक समानता के साथ लैंगिक समानता के भी पक्षधर थे। संपत्ति में महिलाओं को अधिकार उन्हीं के अथक प्रयासों से मिला। भारत के महान सपूत जिन पर देश की माटी को गर्व है, उनकी जयंती पर शत शत नमन।